हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। ये यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थीसीज एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। इस टॉपिक में थीसीज लिखने का फॉर्मेट क्या होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। यदि आप फॉर्मेट क्या होता है और बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस किसे कहते हैं ये जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। प्रोवाइडिंग रेफरेंसेस एंड साइटेशंस इज एन इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग। The main purpose is to acknowledge the original source of ideas and work that is not the author's own, and to direct the readers to the original sources of information. There are a number of different reference and citation styles available, बट हम उनमें से जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करेंगे, जो कि है APA स्टाइल, शिकागो स्टाइल एंड MLA स्टाइल। इनमें भी APA रेफरेंस स्टाइल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं APA स्टाइल कहते किसे हैं। APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन दैट असेंबल्स द पब्लिशिंग मैनुअल ऑफ द APA फॉर्मेट। द स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन 1929 बाई ए ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट टू स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक राइटिंग। APA रेफरेंस स्टाइल को 1929 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा क्रिएट किया गया। इसका जो यूज है वो मोस्टली सोशल साइंस में होता है। सोशल साइंस में बिजनेस, क्रिमिनल जस्टिस, इकोनॉमिक्स और लॉ में इसका यूज होता है। साथ ही मेडिकल सब्जेक्ट्स में नर्सिंग एंड साइकोलॉजी में इसका यूज किया जाता है। जो APA रेफरेंस स्टाइल है इसको ऑथर डेट रेफरेंस स्टाइल भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं APA रेफरेंस स्टाइल का फॉर्मेट क्या होता है। इसमें सबसे पहले ऑथर्स लास्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद कोमा, इनिशियल, फुल स्टॉप, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फुल स्टॉप, टाइटल ऑफ बुक जो कि इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है, उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन और पब्लिशर। ये फॉर्मेट आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इस फॉर्मेट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि APA रेफरेंस स्टाइल में कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए कि कोई ऑथर है एल्फ्रेड आयर, जिन्होंने कि 1959 में लॉजिकल पॉजिटिविज्म बुक लिखी थी और इसको न्यूयॉर्क में द फ्री प्रेस द्वारा पब्लिश किया गया था। तो इसका रेफरेंस लिखेंगे, पहले लास्ट नेम हो जाएगा आयर, उसके बाद इनिशियल हो जाएगा ए, ईयर है 1959, इसके बाद बुक का टाइटल हो जाएगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म, और यहाँ पे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या है न्यूयॉर्क, और पब्लिशर का नाम क्या है यहाँ पे द फ्री प्रेस। ये APA रेफरेंस स्टाइल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट रेफरेंस स्टाइल है शिकागो रेफरेंस स्टाइल। शिकागो इज ए डॉक्यूमेंटेशन स्टाइल दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाई द शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस। साइटेशंस आर प्रोवाइडेड इन फुट नोट्स। जो शिकागो रेफरेंस स्टाइल है इसका सिंप्लीफाइड वर्जन टूरेबियन रेफरेंस स्टाइल है। जो टूरेबियन रेफरेंस स्टाइल है ये हाई स्कूल सब्जेक्ट्स के लिए यूज की जाती है। चलिए देखते हैं फॉर्मेट ऑफ शिकागो रेफरेंस स्टाइल। इसमें सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट नेम, टाइटल ऑफ बुक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा आयर, फर्स्ट नेम एल्फ्रेड,
इसमें टाइटल ऑफ बुक हो जाएगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो गया न्यूयॉर्क, पब्लिशर है द फ्री प्रेस और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है 1959। नेक्स्ट रेफरेंस स्टाइल है एमएलए रेफरेंस स्टाइल। एमएलए रेफरेंस स्टाइल को 1985 में मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया था। इस रेफरेंस स्टाइल का ह्यूमैनिटीज़ एंड लिटरेचर में यूज किया जाता है। ह्यूमैनिटीज़ में इसका इंग्लिश आर्ट एंड फिलोसफी में यूज किया जाता है। फॉर्मेट ऑफ एमएलए रेफरेंस स्टाइल, इसका जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले ऑथर्स लास्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट नेम फुल स्टॉप, टाइटल फुल स्टॉप, पब्लिशर कॉमा, उसके बाद ईयर। इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि एमएलए रेफरेंस स्टाइल में कैसे लिखा जाता है। ऑथर का नेम है एल्फ्रेड अय्यर, तो पहले ऑथर का लास्ट नेम लिखना है, इसलिए हो जाएगा अय्यर कॉमा फर्स्ट नेम एल्फ्रेड। बुक का नाम है लॉजिकल पॉजिटिविज्म, पब्लिशर है इसका द फ्री प्रेस और ईयर है 1959। सम अदर रेफरेंस स्टाइल्स देखते हैं जिनका कि यूज किया जाता है, जिनमें है ACS अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इसको केमिस्ट्री में यूज किया जाता है। AIP अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इसका फिजिक्स के लिए यूज किया जाता है। AMA अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल साइंस में यूज किया जाता है। AMS अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, इसको मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। ASA अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका सोशियोलॉजी में यूज होता है। मैरून बुक, इसका लीगल स्टडीज़ में यूज होता है। NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इसका मेडिसिन में यूज होता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, इसको बिजनेस स्टडीज़ के लिए यूज किया जाता है। ब्लू बुक, इसको लीगल स्टडीज़ के लिए यूज किया जाता है। CSE काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, इसका बायोलॉजी में यूज होता है। आपका टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रेफरेंस स्टाइल का चुनाव किया जाता है। इस वीडियो में हमने स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग को डिस्कस किया। स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन UGC नेट के एग्जाम में पूछा गया है, वो हम देख लेते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन APA शैली के संदर्भ प्रारूप में मूलभूत नियम है। फर्स्ट है छोटी कृतियों जैसे जनरल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखें। सेकंड है लेखकों के नाम उल्टा करके लिखें, अंतिम नाम पहले कि लास्ट नेम पहले लिखते हैं। लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जनरल के शीर्षक तिरछा करके लिखें कि जो इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है। संदर्भ सूची प्रविष्टियों का वर्णानुक्रम में सूचीकरण करें कि जो रेफरेंस लिखे जाते हैं रेफरेंस लिस्ट वो अल्फाबेटिकली अरेंज की जा सकती है। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि रेफरेंस लिस्ट को न्यूमेरिकली एंड अल्फाबेटिकली किसी भी तरीके से अरेंज किया जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ABCD में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि आप UGC नेट एग्जाम से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।